अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई, 45 से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चुपको चुपको, एक एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पर सभी करके बचाया। हम अपनी आर्मी को सलाम करते हैं, सत दमन। जो मंजर मैंने देखा वो कोई ना देखे कभी। लोग रेस्ट कर रहे थे वो भी बह गए, साथ में एक दो टेंट वाले भी बह गए हैं, एक दो घोड़े स्थल वाले बह गए, एक आर्मी ऑफिसर भी बह मेरे सामने। सेना के जवानों ने शनिवार सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यह हादसा अमरनाथ गुफा के करीब 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में शुक्रवार सुबह 5:30 बजे हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक पहाड़ों से बहकर आ रहे मलबे में श्रद्धालुओं के 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। करना प्रभु, नीचे दुकानें हैं, प्रभु गरीब लोग रोजन की रोजी रोटी के लिए आए हैं, प्रभु बचाना सभी को। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। जय भोले। फिलहाल बालटाल और पहलगाम के आगे यात्रा को रोक दिया गया है। माउंटेन रेस्क्यू टीम को भी लापता लोगों की तलाश में लगाया गया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।